दवा शवा ली कि नहीं? माँ काढ़ा दे रही है, उसे ही पी रही हूँ, पर बुखार है कि उतरता ही नहीं। तुमने अभी तक कुछ खाया पिया भी कि नहीं? भूख नहीं लगती है और ना ही कुछ खाने को जी करता है। कुछ भी खाती है उल्टी कर देती है। अच्छा, अरे कोई है भाऊजी? अरे मीना बिटिया, देख कौन आया है। अच्छा काकी। अरे रामू काका, आप कब आए? बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। हाँ, आइए चल। अरे को है काकी, रामू काका आए हैं। आइए रामू काका, बैठिए। अरे ये हमारी फूल जैसी रानी बिटिया का कहा हुआ है? अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल तप रही है, बहुत तेज बुखार है कि तो। अरे भैया तुम कब आए? हाँ भाई। भैया सीमा को देखो, इतने दिन से तेज बुखार है, उतरता ही नहीं है। अरे कैसे उतरेगा, अब बुखार इसको नहीं आएगा तो फिर और किसको आएगा? घर के भीतर से लेके वो बाहर तक बीमारी फैलाने के जितने इंतजाम सब तो कर रखे हैं तुमने, जिधर देखो उधर गंदगी। क्या कहा, गंदगी और का? अरे भैया तुम वो बच्चा मजाक कर ले था। मजाक नहीं कर रहे भौजी, हकीकत बता रहे हैं। नाक नहीं दी जाती किसी तरफ, इतनी गंदगी। काका हाँ, मेरा पूरा बदन तप रहा है और सर भी तेजी से दुख रहा है, कुछ करो ना काका। जरा देर सबर करो बेटा, हम अभी डॉक्टर को बुला के लाए थे। और भौजी ये भैया कहाँ गए? अरे गए कहाँ है, खेती बाड़ी का सामान खरीदने शहर गए हैं, हम भी तो उन्हीं की राह देख रहे हैं। अरे तो अब राह न देखा भौजी, तब क्या करी? एक कटोरा में पानी ले और गीली पट्टी के माथे पर बिटेवा के रखो फटाफट, बुखार हल्का जाए, हम डॉक्टर का लेके आए। अरे कटोरा में पानी मंगाओ और कोनो साफ कपड़ा उमा भिगोए के निचोड़ के वहाँ गीली गीली पट्टी इके माथे पर रखो, इका बुखार हल्का जाए, हम अब आए। गीली गीली पट्टी, पानी, पता नहीं का बताए गए हैं। भैया जा जरा पानी ले आए कटोरा। लाया अम्मा। जाने का बताए गए हैं, गीली पट्टी पानी, अब हम रखे तो। काकी तुम रखो तो, काका जो कह के गए बस वही करो। अरे बेकार परेशान मत हो। ला भैया, अरे बिटिया अगर बुखार बढ़ गवा तो फिर हम का करी? अरे तुम चिंता ना करो काकी, अब तुम जैसे कह रहे हो वैसे हम करे। हम नहीं जाने थे। आई डॉक्टर साहब, नमस्ते। हटा कटोरा, हटा भोजी, बैठे डॉक्टर साहब। ये देखिए इतना तेज बुखार। माँ तप रही है बेटी, बहुत सिर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। आप चिंता ना करिए, मैं अभी देखता हूँ। बुखार तो तेज है काका। हाँ अच्छा। बुखार बहुत तेज है, सिर में बहुत दर्द है, पूरा बदन टूटा जाता है। बेटा जबान दिखाइए। आ काकी जरा इनको पकड़ के बैठाइए थोड़ा सा। हाँ बेटा जरा पीछे आना थोड़ा सा, बस 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 बस, बस, बस। और पलट जाओ बेटा उधर। हाँ शाबाश। हाँ जरा सांस लो बेटा और जोर से। उठा दो बेटा, हाथ पाथ बंद कर दो। बहुत तेज बुखार। नाम क्या काका बिटिया का? सीमा। सीमा। उम्र? 13 साल। काकी बुखार लगातार रहता है कि उतरता भी है? डॉक्टर साहब 24 घंटे में एक बार जरूर उतरता है। भूख लगती है इसको? और
बुखार चढ़ने से पहले ज्यादा लगता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत जोर ज्यादा लगा था। काका इसको मलेरिया हो गया है। नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इसको दवा लिख दी है। काका ये दवाएं आप मेरे दवा खाने चल के ले लीजिएगा। अच्छा, और देखिए बिटिया को एक बार मेरे दवा खाने लाना पड़ेगा क्योंकि इसके खून की जांच करनी है। तो सवेरे ले आएंगे डॉक्टर साहब? हाँ सवेरे जरूर इसको ले आइए। और काकी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जब तक बिटिया पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती इसको पानी आप उबाल कर ही दीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, और खाने के लिए क्या दें? खाने में आप कुछ भी इसको हल्का फुल्का दे सकती हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आसपास के गड्ढों में या घर में कहीं भी पानी जमा हो उसको आप तुरंत निकलवा दीजिए। अच्छा। और निकलवाने के बाद उसमें चूना छिड़कवा दीजिए। नहीं समझ में आया डॉक्टर? अभी समझा। अरे डॉक्टर साहब, इस मलेरिया ने तो हमारे पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। ताकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखा काका? ये आसपास के कहीं पे भी अगर पानी जमा है घर में या घर के बाहर तो उसे फौरन निकलवा दीजिए। बिल्कुल सफा कर दीजिए, और हो सके तो उसमें मिट्टी डलवा दीजिए। अच्छा। क्या डलवा दीजिए? मिट्टी। और अगर मिट्टी ना हो तो डीजल या मिट्टी का तेल डलवा दीजिए। मिट्टी तेल डाल दो। हाँ। और अगर इनमें से कुछ भी ना हो सके तो जैसा मैंने आपको अभी कहा ना कि चूना, वो चूना छिड़कवा दीजिएगा। चूना डॉक्टर साहब? हाँ। चूना इसलिए कहा कि क्योंकि चूना कीड़े मकोड़ों को मार देता है। हाँ। हाँ। और नए कीड़ा मकोड़ा पैदा नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा काका। अब जैसा कभी बिटिया ने कहा कि सब पूरे गांव में फैला हुआ है तो बिल्कुल ठीक कहा, ये खास किस्म के कीड़े मकोड़ों से होती, खास किस्म के मच्छर के काटने को होती है ये। मलेरिया कहाँ होते डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा प्रश्न किया काकी ने। काकी मलेरिया एक किस्म की बीमारी है। अच्छा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये खास किस्म के मच्छर के काटने से होती है। काका कल आप चौपाल में कुछ कहानी बड़े जोर शोर से सुना रहे थे मलेरिया। अरे मलेरिया राक्षस की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वही वही मलेरिया राक्षस। जरा इन बच्चों को भी सुना दीजिए। आप कहते हैं तो इनको भी सुना देते हैं भाई। अच्छा तो हम तो चली, बहुत काम है। अरे भौजी तुम कहाँ चली? काहे तुम्हारा सुनना तो बहुत ही जरूरी है ताकि दोबारा ऐसी गलती न करो। बैठ जाओ और पूरी बात सुन के तब जाओ। अच्छा तो देखो बच्चों, ये जो मलेरिया राक्षस होता है ना, ये होता है बहुत खतरनाक। खतरनाक? पर बहुत छोटा सा, ए इतना सा, नहीं नहीं इससे भी छोटा, ए इत्ता सा, यूं समझ लो कि बिल्कुल मुन्ना सा होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये मच्छर रहता कहाँ आप जानते हैं? आपने उसका घर देखा है? अरे लल्लू मच्छर का कोई घर थोड़ा ही होता है भाई। अरे जहाँ गंदगी या गंदा पानी इकट्ठा हुआ बस वही मच्छर पैदा होगा और भन्न मार के उड़ने लगे। अब डॉक्टर साहब देखो, हम मच्छर का नाम फिर भूल गए, क्या बताया था आपने? एनाफ्लीज। क्या? एनाफ्लीज। काका ये एनाफ्लीज नामक एक मादा मच्छर होती है। इसके पेट में दो तरह के विषाणु होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के विषाणु। जब ये मच्छर किसी को काटता है तो उसके पेट से उसकी लार द्वारा ये विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? लार द्वारा। और फिर मनुष्य के खून में अपना पूरा जीवन चक्र व्यतीत करता है। काकी मलेरिया बीमारी की पहचान यह है कि इस मच्छर के काटने के 4 या 5 घंटे बाद हल्का हल्का चारा लगना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है ये जवाब बढ़ता जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, काका इस मलेरिया राक्षस को भगाने का कोई उपाय भी तो होगा जिससे किसी को काटे ही ना। हाँ है ना। हाँ। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि भाई देखो, घर के भीतर और चाहे घर के बाहर जहाँ कहीं भी गंदगी या गंदा पानी इकट्ठा हो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। अब देखो जैसे ये एक कुएं की जगह कितनी नर्क, और ये देखो ये घर कूड़े कचरे पर रखा, ये शाबाश बेटा, ये हुई ना कोई बात। तो बेटा ठीक से सफाई करके और सफा किए हुए जगह पर चूना जरूर छिड़क दो ताकि दोबारा कीड़ा मकोड़ा पैदा ही ना हो, है ना। और एक बात और है भौजी,
कि जब किसी भी आदमी को ज्वाला दे के बुखार आवे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए और दवा जरूर करनी चाहिए। भैया हम तो एक समझे सर्दी लगी है तो अन पिला दी काढ़ा। अरे तबे तो रोग बाढ़ा। काका अब समझ में आया कि सीमा को मलेरिया राक्षस ने क्यों काटा? क्यों? क्योंकि इसके घर के अंदर और बाहर गंदा पानी जमा हुआ है, बस मलेरिया राक्षस को वहीं रहने का स्थान मिल गया। बिल्कुल ठीक कहा काका बिटिया। लेकिन बेटे इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपना घर तो साफ कर ले और अपने घर का कूड़ा करकट उठा के सब बाहर फेंक दे। इससे फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, वहाँ सड़ेगा तो वहाँ कीड़े मकोड़े और मच्छर पैदा हो जाएंगे। रामू काका, मलेरिया का सबसे बड़ा दुश्मन सफाई और दोस्त जमा हुआ गंदा पानी है। तो चलो आज से मलेरिया राक्षस के खिलाफ सफाई करके छेड़ दे जंग। तो ठीक है, तुम मलेरिया राक्षस के खिलाफ छेड़ो जंग, हम चली थे डॉक्टर साहब के संग। आओ डॉक्टर साहब। काकी देखिए, हो सके तो मच्छरदानी का प्रयोग करिए। अच्छा डॉक्टर साहब। और देखिए घबराने की कोई बात नहीं, मैं कल परसों आके फिर देख जाऊंगा। हाँ, इसको खून की जांच के लिए जरूर भेज दीजिए। अच्छा डॉक्टर। अच्छा का अच्छा, नमस्ते।